गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का, लास्ट क्लास में हमने किया था 2014 के बाद की जो हमने आर्थिक व्यवस्था जो देखी थी भारत की, कि क्या क्या व्यवस्थाएँ जो है 2014 के बाद हुई थी। आज उसी में जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा और इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है GST। GST के बारे में जानेंगे कि GST कैसे कैसे भारत में लागू हुआ, कब कब लागू हुआ और क्या क्या इसके फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे और किसने इसको लागू किया, वो सारी चीज़ें जो है वो हम विस्तार से इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप GST के बारे में जानिए। GST है क्या? गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कि आप क्या बोलते हो, GST बोलते हो। इसके बारे में अब हम जो है पढ़ेंगे बेसिक से, ठीक है, कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो GST का आपका लाने का उद्देश्य मीन सरकार का ये था कि आपने देखा होगा कि पहले जो है भारत के अंदर अलग अलग टैक्सेस की व्यवस्था चलती थी, यानी कि हर एक चीज़ का एक अलग टैक्स जो है वो लगता था। ठीक है, टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें आपको पता नहीं चलता है पर आप लोग टैक्स उसको दे रहे होते हो, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें आपको पता नहीं चलेगा, पर डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है कि सरकार आपसे टैक्स लेती है, जैसे कि आप होम यानी कि आप मान के चलिए आप हाउस टैक्स देते हो तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है जो कि आप सरकार को पे करते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपने पंचवर्षीय योजना सारी शुरू से पढ़ते हुए चले हो कि भारत में अलग अलग प्रकार की अलग अलग व्यवस्था सरकारों ने अपनी बनाई थी, उसके बाद से जो हमारी 2014 के बाद से NDA की सरकार आई, NDA की सरकार में GST को जो है वो लागू किया गया। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानेंगे कि GST की जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। GST है कनाडा मॉडल पर आधारित, ठीक है, GST जो है वो आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है और भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जुलाई 2017 में जो है वो भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो कनाडा मॉडल पर ये आधारित है और इसको आप GST को जो बोलते हो वो आप इसको बोलते हो अप्रत्यक्ष कर जो है ये कहलाता है। अभी आगे सारे टैक्सेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा टैक्सेस है, किस किस प्रकार से जो है वो लिया गया है। अब इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि सबसे पहले जो विश्व में सबसे पहले जो GST है वो आपका फ्रांस में लागू हुआ, यानी कि जो GST की व्यवस्था बनाई गई थी कनाडा में, यानी कि जो कनाडा मॉडल पर आधारित आपका GST है वो सबसे पहले आप लोगों का फ्रांस में लागू हुआ। ठीक है, फ्रांस में वो आपका ये 1954 में ये फ्रांस में लागू हुआ। और अगर अब हम इसकी भारत में बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में इसकी शुरुआत हुई। और भारत में ये किस जगह पे शुरुआत हुआ था, तो भारत का असम राज्य में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। असम राज्य में सबसे पहले GST जो है वो यहाँ पर लागू आप लोगों का किया गया था। तो ये सवाल आप लोगों का सीधा सीधा यहाँ से बनेगा कि आप लोगों के जो GST है वो कौन से मॉडल से लिया गया, तो वो कनाडा मॉडल पर लिया गया था। और विश्व में सबसे पहले GST की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो आपकी फ्रांस से हुई थी जो कि आपकी 1954 में हुई थी। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरुआत हुई, तो भारत में सबसे पहले आसाम राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। अब आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जब शुरुआत 1/7/2017 से हुई थी तो लागू भी यहाँ पर असम में 1/7/2017 को हुआ होगा। और सबसे आखिरी में जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उस समय पर, अब तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, सबसे बाद में लागू हुआ था, यानी कि सब राज्यों में पहले हो चुका था और जम्मू और कश्मीर में सबसे बाद में जो है वो लागू ये किया गया था। ठीक है, इतना ये क्रम आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
अगली चीज इसके अंदर जो आप लोगों की आएगी, एक समिति हुआ करती थी, विजय केलकर समिति, इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसको ध्यान रखना। इस समिति के द्वारा जो है वो जीएसटी भारत में लागू आप लोगों का किया गया था, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। लिख लिया। अब इसके बाद जानते हैं जो हमारा जीएसटी है वो कितने प्रकार से लगाया जाता है। जीएसटी लाने का मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोगों को भारत सरकार ने क्या बोला कि अब तक जो भारत और देश हैं वो जीएसटी लागू कर रहे हैं। हमारे देश में क्या होता था, हर एक चीज़ पर अलग अलग टैक्स जो है वो लगाया जाता था, पर यहाँ पर मेन इसका जो मोटिव ये था कि एक देश में एक कर लगना चाहिए हर राज्य में हर एक प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टैक्सेस की व्यवस्था जो है वो अलग अलग प्रकार से बनाई गई थी। और जीएसटी को अगर हम देखें तो वो लगभग लगभग 3 से 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी, एक होता है आपका आईजीएसटी। मुख्य तौर पर अगर आप देखो तो 3 भाग ही आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इसके कितने पार्ट है, आप लोग 3 पार्ट बोलोगे, ठीक है, पर एक पार्ट इसमें और है जो कि यहां पर काउंट नहीं होगा, इसको एडिशनल आप मान सकते हैं, जिसको बोलते हैं आप यूटीजीएसटी, ठीक है। अब ये है क्या, इनके नाम लिख लीजिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये है आपका यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक एक करके इनको समझते हैं ये है क्या। सेंट्रल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो टैक्स है वो केंद्र सरकार जो है वो लगा रही है, ठीक है। स्टेट से आपको पता चल गया होगा ये टैक्स जो है वो लगा रही होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स क्या होता है ये थोड़ा सा समझने का है, और यूनियन टेरिटरी से आपको समझ आ गया होगा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर आपका ये वाला टैक्स लगेगा। अब आप इस कहानी को ये समझो कि जब टैक्स की व्यवस्था भारत में सुधारी जा रही थी, जब आपका जीएसटी जो है वो लागू करने की बात हो गई कि अब जीएसटी जो है वो आप लोगों का लागू किया जाएगा, तो उसको कुछ इन प्रकारों से रख दिया गया कि इस प्रकार से जो है वो हम यहाँ पर टैक्स भारत के अंदर लेना शुरुआत करेंगे। एक हम सीजीएसटी के नाम से लेंगे, एक हम एसजीएसटी के नाम से लेंगे, एक आईजीएसटी के नाम से लेंगे, और एक लेंगे यूटीजीएसटी के नाम से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लेगी, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आप लोगों का बन रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना और उस पर जो टैक्स लगेगा वो सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने बनाया तो उस पर स्टेट का भी टैक्स लगता है, उस पर सेंट्रल का भी टैक्स लगता है, ठीक है, ये दोनों टैक्स उस पर लगाए जाएंगे। तो जो आपका सीजीएसटी है ये टैक्स जो है वो आपका लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये वाला आपका लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको समझो कि इसमें होता क्या है, एक प्रोडक्ट अगर मान लीजिए, एक प्रोडक्ट यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट बन गया,
इस पर सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रख दिया कि भाई मुझे इतने परसेंट जो है वो इससे टैक्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स चला गया। उसके बाद ये प्रोडक्ट जब यहाँ से निकल करके स्टेट में आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अलग रख दिया कि मुझे इस पर इतना टैक्स चाहिए, ठीक है। तो इन दो प्रकार के टैक्स लगने के बाद जा कर के फिर ये आप लोगों का कंज्यूमर तक जो है वो पहुँचेगा। पर अब पहले क्या होता था, पहले आपने प्रोडक्ट बनाया, उस पर जो कंपनी है, कंपनी ने अपना टैक्स अलग लगाया, अपने पैसे अलग लिए, उसके बाद वो जा कर के रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने उसमें अपना अलग से ले लिया। आपने देखा होगा एमआरपी से बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बेच देते हैं, बहुत से बहुत कम बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा मार्जिन उन्हें रहता है। एक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कम से कम ज़्यादा नहीं वो 10% पैसा उस पर खर्च करती है, यानी कि अगर वो 100 रुपये का सामान अगर आप लोगों को बेच रही है तो उसकी लागत उसमें 10 रुपये की रहती है। अगर आप कंपनियों का थोड़ा सा डेटा उठा करके देखो या उनके जो ओनर्स होते हैं उनसे अगर वीडियोज़ वगैरह उनकी देखो तो उसमें आप लोगों को दिखा होगा कि 10% के मार्जिन से वो बनाते हैं और लगभग उसमें 90% या 50% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, इसमें भी दिक्कत जो है वो आ रही थी कि सेंट्रल अपना अलग ले रही है, स्टेट अपना अलग ले रही है। तो इन्होंने फिर उसके बाद एक टैक्स और इसमें बनाया जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड टैक्स। इसके अंतर्गत होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है और उस पर यहाँ पर 100 रुपये टैक्स जो है वो लिया जा रहा है, तो ये 100 रुपये टैक्स में इसमें जो 50 रुपये है वो जाएगा आप लोगों का सेंट्रल के पास, और जो आपका यहाँ का 50 रुपये है वो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें इंटीग्रेटेड गुड्स और टैक्स लगेगा। इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स इसलिए लगा क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपका अलग अलग राज्यों में जा रही है। एक प्रोडक्ट तो वैसा है कि आपका यूपी में बना, यूपी में ही बिक गया, उस पर टैक्स किसका लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, या उसमें कुछ परसेंट जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ले सकती है, वैसे लेती नहीं है, ठीक है। पर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो यूपी में बना, यूपी से वो बिहार चला गया, बिहार से राजस्थान चला गया, तो पहले क्या होता था कि सरकार अपनी अलग अलग टैक्स लेती थी, यानी कि अगर आपने यूपी में प्रोडक्ट बनाया वो बिहार गया, बिहार सरकार ने 10% अपना ले लिया, राजस्थान गया, राजस्थान सरकार ने 10% अपना ले लिया। अब जीएसटी आने से ये फ़ायदा हुआ, सरकार ने बोला कि भारत में किसी भी कोने पर अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, भारत का कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, भारत सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत बोल दिया कि आप कोई भी प्रोडक्ट भारत के किसी भी राज्य में बनाओ और उसको भारत के किसी भी राज्य में बेचो, उससे क्या करना है कि उस पर एक ही सामान का जो उसका प्राइस है वो समान रहेगा और उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी आप लोगों का समान टैक्स यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि पहले जो अलग अलग मनमानी से अपनी सरकारें अलग अलग पैसे जो है वो अपने बता देती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा जीएसटी के अंतर्गत। यूटी जीएसटी क्या होता है, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को पता होगा जहां पर किसी की सरकार नहीं चलती है, वहां पर जो कंट्रोल रहता है मेनली वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहां पर गवर्नर जो है वो आप लोगों के जो गवर्नर होते हैं, मेन जो चार्ज होता है वो गवर्नर के पास होता है, ठीक है। तो यूटी जीएसटी का जो जितना भी टैक्स रहेगा वो आपका यूनियन टेरिटरीज का वो यूटी जीएसटी के तहत जो है वो लिया जाएगा। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझनी है। मुख्य तौर पर यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा सबसे पहले कि जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के टैक्सेज लिए जाते हैं, तो तीन प्रकार के टैक्सेज आप लोगों के लिए जाएंगे, एक सेंट्रल द्वारा, स्टेट द्वारा, और एक आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड में ये दोनों प्लस हो जाते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग ले रही, स्टेट अलग ले रही है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें दोनों को यहाँ पर शेयर मिल जाता है, और दोनों का ये ध्यान रखेंगे दोनों का यहाँ पर 50-50% रहता है, क्योंकि जीएसटी में चार स्लैब में टैक्स जो है वो लिया जाता है, वो अभी आगे बताऊंगा। और जो भी स्लैब रहता है, अगर मान लो 5% टैक्स लगा तो 2.5% सेंट्रल का और 2.5% स्टेट का, इस तरीके से चार स्लैब के टैक्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों के बढ़ जाते हैं, ठीक है।
अब आप इसके अंतर्गत दो चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। एक तो आपके जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार से लिए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता चला कि किस मतलब के कौन कौन सा टैक्स जो है वो लागू होता है हमारे देश में। अब दो प्रकार से टैक्स लिए जाते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है वो आपसे दो प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु जो है वो इसमें लिखे गए हैं, जैसे कि आप लोगों का आयकर जो है लिया जाता है, आपकी आय पर जो आप लोगों से टैक्स लिया जाता है, निगम कर आपसे लिया जाता है, उपहार कर लिया जाता है, धन लाभ पर आपसे कर लिया जाता है और संपत्ति पर कर लिया जाता है। यानी कि ये कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको कि आप डायरेक्टली पे करते हो सरकार को। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है आप लोगों का आयकर पे, कि आपकी जितनी भी इनकम है उस पर कुछ परसेंट आप लोगों को सालाना टैक्स देना होता है। जैसे कि सरकार ने लिमिट लगाई हुई है, लगभग 4.5-5 लाख से ऊपर की जिसकी आय होगी उसको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसानों को यहाँ पर फ्री रखा जाता है, यानी कि भारत के अंदर जो किसान हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, चाहे वो कितनी इनकम कर लें। ठीक है, पर उसके अलावा कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी ही कर रहा हो, उसको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, जैसे कि आप लोगों का मनोरंजन पर लगेगा, उत्पादन पर लगेगा, सीमा पर लगेगा और आपका ये आपका हो गया सेवा कर रही आपका, ये आप लोगों का कैसे लगेगा। आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदा होगा, यानी कि आप अगर एक साबुन ले लो या कोई भी एक चीज़ ले लो, आइटम ले लो, उस पर अगर आप पीछे देखोगे तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप लोगों का सेवा कर भी आ जाएगा, यानी कि जो कंपनी आपको सर्विस दे रही है वो टैक्स आपका ले लिया गया, जिस राज्य से वो आया है सीमा शुल्क लगता है वो टैक्स उसके अंदर इंक्लूड हो गया। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट है उसको बनाने में क्या लागत लगी, कितना उसमें टैक्स वो लिया जाएगा, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को ये दिखाई नहीं देता है पर आप लोग इसको पे करते हो। यानी कि अगर आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी MRP जो है, MRP अगर उसकी 100 रुपये है, ठीक है, MRP 100 रुपये है, तो उसमें लगा लो बनाने में उसका 10 रुपये शुल्क आया, उसका सीमा शुल्क 10 रुपये ले लिया, उसका एडवर्टाइजमेंट का या आपके सेवा शुल्क उन्होंने 10 रुपये ले लिया, तो आप मान के चलो 30 से 40 रुपये उन्होंने लगा दिए। ये आप लोग वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाएंगे नहीं, वो सीधा आपसे 100 रुपये लेंगे और आपको लगेगा कि 100 रुपये में बहुत सही है, इसको खरीद लिया जाता है, पर वो होता है टैक्स इंक्लूड होता है उन सारी चीज़ों में। तो कुछ दो प्रकार से आप लोगों के ये टैक्सेस यहाँ पर लिए जाते हैं सरकार द्वारा। अब इसके बाद आप इसके अंदर कुछ इसके स्लैब हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप लिख सकते हैं कि GST जो है कितने प्रकार से जो है वो लेते हैं, कितने कितने परसेंट GST कहाँ कहाँ पर जो है वो आप लोगों का लिया जाता है।
एक जीएसटी आपका लिया जाएगा 5%, दूसरा जीएसटी लिया जाएगा आप लोगों का 12%, तीसरा लिया जाएगा आपका 18% और चौथा लिया जाएगा आप लोगों का 28%। तो ये कुछ चार स्लैब हैं जिन पर आप लोगों का जो है यहाँ पर इस प्रकार से टैक्स लिया जाता है। यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर 5% जीएसटी लगेगा, कुछ पर 12%, कुछ पर 18% और कुछ पर 28%। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 5% जो जीएसटी लग रहा है वो आपका सब्जियों पर, आप लोगों का मसालों पर और आप लोगों का न्यूज़पेपर पर, न्यूज़पेपर के साथ साथ इसके अंदर प्रिंटिंग की चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि जो एक तरीके से ये आपके क्या हो जाएंगी, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट और ये आपका हो जाएगा सर्विसेज। तो प्रोडक्ट आप लोगों के इस साइड आ जाएंगे, सर्विसेज दूसरी साइड आ जाएंगी, और जो बेसिक नीड है आप लोगों के, यानी कि सब्जी आपकी बेसिक नीड है, स्पाइसेस आपकी बेसिक नीड है, न्यूज़पेपर डेली आप लोगों को घर में देखने को मिलता है, और प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है, और इसके अंतर्गत इन्होंने फूड और आपका रेस्टोरेंट और इंक्लूड कर दिया था बाद में। ठीक है, रेस्टोरेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो इन सभी पर जो है वो 5% आप लोगों का लगेगा। अभी लगेगा किस हिसाब से, यानी कि जो टर्नओवर होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट आपका, जैसे रेस्टोरेंट मान लीजिए, रेस्टोरेंट का टर्नओवर जितना भी है उस पर 5% उसको मंथली चार्ज लगाया जाए, एनुअली लगाया जाए, क्वार्टरली लगाया जाए, वो उसको उतने परसेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी भी अलग अलग प्रकार से लगता है, किसी पर मंथली लगेगा, किस पर एनुअली लगेगा, किस पर क्वार्टरली लगेगा, तो अलग अलग प्रकार से ये लगता है। ठीक है, अगला जो है इसके अंतर्गत आपका आ जाता है फ्रूट्स। ये कुछ तीन चार चीज़ें हैं जो आपका 12% जीएसटी लेती हैं। ठीक है, और सर्विसेज में आ जाएगा आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर जो कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही है उस पर 12% जीएसटी जो है वो उन्हें सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 18% जीएसटी जो है वो लगाया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर आपका सर्विसेज में आ जाएगा जो आपकी आईटी सर्विसेज है। ठीक है, आईटी सर्विसेज पर आप लोगों का जो है वो 18% जीएसटी लगाया जाता है। 28% जीएसटी लगता है ऑटोमोबाइल्स पर। लगेगा आप लोगों का ऑटोमोबाइल्स पर, और इसके साथ साथ अगर सर्विसेज की बात करें तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे होटल्स, और आप लोगों का सिनेमा। ठीक है, होटल्स और सिनेमा पर आप लोगों का 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब कुछ आइटम और हैं ऐसे जिन पर हमेशा विवाद रहा है कि इनको जीएसटी में लागू क्यों नहीं किया गया। अब कुछ ऐसे आइटम हैं, देखिए ये तो आपके बेसिक कुछ चीजें बता दी गई, वरना ऐसे तो हजारों लाखों आइटम है भारत के अंदर जिन पर जीएसटी यहाँ पर कुछ सर्विसेज में आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर आ रहे हैं, पर कुछ मेन इसमें आइटम ऐसे हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता। तो सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है आप लोगों की, बेसिक रोज की नीड है, वो है पेट्रोलियम।
ये तीन चीज़ें बेसिक ऐसी हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते ही करते हो, और इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। और एक इसमें और है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इनको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जीएसटी से बाहर क्यों रखा हुआ है? देखो, यहाँ से तो सरकार जो है वो टैक्स के तो थ्रू पैसा यहाँ पर ले रही है। यहाँ पर क्या होता है, सरकार को इन प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा जो है वो मार्जिन होता है। यानी कि अगर आप पेट्रोल का, मैंने कल भी बताया था पेट्रोल के बारे में, अगर आप देखो तो सरकार विदेश से इसको ले रही है, ठीक है। विदेश से लेने में सरकार को काफ़ी पैसा जो है वो इस पर खर्च करना पड़ रहा है। इसको इसीलिए भी टैक्स के दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है कि एक तो वहाँ से इतना महंगा ये परचेज कर रही हैं इसको, ठीक है। अल्कोहल, इन्हीं चीज़ें, ये कुछ आइटम है। देखो, आपने सुना होगा अल्कोहल से बहुत ज़्यादा मार्जिन है, सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। और अल्कोहल हर एक स्टेट में अलग अलग रेट का रहता है, एक ही प्रकार का, ठीक है। पेट्रोल भी आपका हर राज्य में अलग अलग रेट रहता है, पेट्रोल का भी आप लोगों का वो लगता है, आप लोगों का टैक्सेस के हिसाब से जो भी आप लोगों का सीमा शुल्क लगेगा या जो भी लगेगा उसको इंक्लूड करके ये आप लोगों का इसके अंतर्गत ले आते हैं। नेचुरल गैसेस हो जाएंगी आप लोगों की, या फिर आपका बिजली हो जाएगी, ये सभी जो है आइटम आपके जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नोट हो गए, इसके बाद अगली चीज़ जो आती है कि जो जीएसटी के जो मेन, आप ये समझो कि कंट्रोल इसको कौन करेगा, कौन इतना सारी चीज़ें देखेगा कि किस पर क्या लागू करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए एक जो है वो टीम यहाँ पर बनाई गई थी, इसके लिए यहाँ पर जीएसटी काउंसिल बनाया गया था, जीएसटी काउंसिल बनाया गया था जिसके अंदर जो है 33 सदस्य होते हैं आप लोगों के। जीएसटी काउंसिल के अंदर आप लोगों के 33 सदस्य होते हैं। सबसे पहला, अब आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो संबंधित है वो आपका पैसे से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र के वित्त मंत्री का रोल तो जरूर आने वाला है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्री के एक राज्य मंत्री भी होते हैं, उनको भी इसका सदस्य जो है वो माना जाता है। यानी कि एक कैंडिडेट आपके केंद्र मंत्री हो गए और एक कैंडिडेट आपके राज्य मंत्री जो है वो हो गए। दूसरी बात, अब जीएसटी जो है वो लागू किसमें करना है, सारे स्टेट में लागू करना है, तो हर एक स्टेट का जो है वहाँ पर वित्त मंत्री भी लिया जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के वित्त मंत्री, क्योंकि लागू तो आप लोगों के वहाँ पर, अगर आप लोग स्टेट के अंदर चले जाओ तो स्टेट के अंदर आप लोगों का मुख्यमंत्री हो गए या वित्त मंत्री हो गए, यही जीएसटी वहाँ पर लागू करेंगे और इसकी व्यवस्था यही जो है लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 28 तो आप लोगों के यहाँ पर ये वित्त मंत्री हो जाएंगे राज्य के, ठीक है। और इसके अंतर्गत एडिशनल 3 मेंबर लिए गए थे आपके यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। यूटी से आप समझ जाइए, यूनियन टेरिटरीज से लिए गए थे 3 सदस्य। अभी तक जो है यही सदस्य इसके अंदर हैं, और टोटल ये अगर आप लोग देखो तो टोटल ये 33 सदस्य जो है वो आप लोगों के हो जाएंगे, जो कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। और इसकी पूरी देखरेख करना और इसमें क्या लागू करना है, क्या चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें यही 33 सदस्य बैठ के डिसाइड करेंगे। क्योंकि इसका विरोध भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर एक राज्य के जो है वित्त मंत्री लिए गए हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो वहाँ पर, ठीक है। और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ के भी आप लोगों के यहाँ पर वित्त, जो यूनियन टेरिटरीज़ के सदस्य हैं वो 3 और आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये 33 जो है ये डिसाइड करते हैं आप लोगों का कि किस प्रकार से हमें जीएसटी जो है वो लागू करना है राज्य के अंदर। अगला इसके अंतर्गत जो पॉइंट है,
अगला पॉइंट है कि किस विधेयक के अंतर्गत आप लोगों का जीएसटी लागू किया गया। विधेयक क्या होता है आप लोगों का? ये होता है आप लोगों का बिल। आपने सुना होगा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले विधेयक जारी करती है, एक बिल पास करती है आप लोगों की लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद ही आप लोगों का अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तो उसको आप लोगों का संशोधित किया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे एक सौ एकवा संशोधन आप लोगों का ये हुआ था जीएसटी के लिए, ठीक है, और 122वां जो है ये विधेयक था, यानी कि 122वां बिल जो है ये बना था। ये दो मुख्य चीजें, अगर पूछ लेगा आपसे कि कौन से संशोधन के तहत या कौन से आप लोगों का तहत ये हुआ या था, तो 101 के तहत ये हुआ था, और विधेयक का अगर पूछ लेंगे कि कौन सा नंबर का विधेयक था ये, तो ये 122 नंबर का विधेयक था आप लोगों का बिल। यानी कि इससे पहले 121 बिल और आए होंगे सरकार द्वारा और उन पर काम किया गया होगा, और इसके बाद जो आएंगे वो इसके बाद काउंट होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी अब तक बिल आए हैं उनकी ये आप लोगों की काउंटिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई बिल पास करवाना होता है तो वो जाएगा आप लोगों का लोकसभा में, फिर जाता है आपका राज्यसभा में, और फाइनल जाता है फिर आपका प्रेसिडेंट के पास। ये क्रम थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, किसी बिल के लिए आप लोगों का सबसे पहले राज्यसभा में लागू कर दिया जाता है, राज्यसभा में ले गए, वहाँ से पास हुआ तो लोकसभा में ले गए, उसके बाद प्रेसिडेंट पे ले गए। कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो क्रम चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहले जो जीएसटी का बिल गया था वो गया था आप लोगों का अगस्त 2016 को, ये गया था आप लोगों का लोकसभा में, तीन अगस्त को ये इसमें गया था, और आप लोगों का 8 अगस्त को गया था ये राज्यसभा में, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया था ये 8 सितंबर 2016 में, ठीक है। इसके पीछे की कहानी आप ये समझेंगे, होता क्या है कि कोई भी बिल मान लीजिए लोकसभा में चला गया तो वहाँ पर वोटिंग होती है उस बिल का, उस बिल को सबसे पहले तो बताया जाता है, जैसे वित्त मंत्री ने इसे लागू किया था तो उन्होंने बताया उसके बारे में कि इसके बाद क्या क्या व्यवस्था है जो हमारी चेंज होने वाली, क्या होने वाली है, उसके बाद वोटिंग होती है। यहाँ से अगर इसको मंजूरी मिल गई तो ये पहुँच जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ से मंजूरी नहीं मिली तो ये बिल यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी उसी प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा, और राज्यसभा से भी मंजूरी मिलती है तो फाइनल जो इसमें हस्ताक्षर होते हैं या फाइनल जो इसमें अनुमति मिलती है वो मिलती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट अलाउ कर देता है, प्रेसिडेंट देखिए अलाउ करेगा, जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट तो खुद ब खुद अलाउ कर देगा कि आप इसको लागू कर सकते हो, ठीक है। तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा से ये पास हुआ था, उसके बाद 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास हुआ, और 8 सितंबर 2016 को ये प्रेसिडेंट ने पास किया। प्रेसिडेंट हमारे उस समय पर कौन थे 2016 में, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी हमारे उस समय पर 2016 में प्रेसिडेंट थे, ये आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहां से ये पास हो जाता है सितंबर में तो 1 जुलाई 2017 में ये लागू आप लोगों का कर दिया जाता है। तो ये क्रम आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और इसके अंतर्गत उसके बाद एंड करेंगे, क्योंकि मेन तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा आपसे। ये डेट्स पूछ सकता है कि लोकसभा में कब आप लोगों का जीएसटी बिल गया था, ठीक है, तो 3 अगस्त को गया था, राज्यसभा में कब गया था, किस कौन से उस समय पर प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसको अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी ने इसको अलाउ यहाँ पर कर दिया था। सरकार किसकी चल रही थी, सरकार उस समय पर एनडीए की सरकार यहाँ पर चल रही थी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही थी। जीएसटी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 20 लाख का टर्नओवर जिसका होगा,
यानी कि 20 लाख की ट्रांजैक्शन जो कर चुका होगा, 20 लाख का व्यापार जो कर चुका होगा साल में महीने में, उस हिसाब से जो है वो उस बंदे को जीएसटी रजिस्टर्ड अपना करवाना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो जीएसटी होता है वो 15 डिजिट का एक नंबर होता है आप लोगों का, 15 डिजिट का एक नंबर होता है आप लोगों का, जिसको आप जीएसटी, जो आपका जीएसटी नंबर यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसके अंदर शुरू के जो दो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके राज्य से संबंधित, यानी कि एक राज्य का उसे कोड दिया जाएगा या कुछ भी जो है वो उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद के जो 10 नंबर होते हैं वो होते हैं आपके पैन कार्ड के नंबर, ठीक है। उसके बाद के जो आप लोगों के 3 नंबर होते हैं वो 3 नंबर आप लोगों के होते हैं जीएसटी नंबर, जो कि आप लोगों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये नंबर जो आपका क्रम बनेगा तो ये 15 डिजिट का बनेगा, और इन्हीं 15 डिजिट के क्रम से आप लोगों का एक जीएसटी नंबर आप लोगों पर लागू किया जाएगा। ये तो था सारा टॉपिक आप लोगों का जीएसटी का, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी आप लोगों का इसी से संबंधित होगा थोड़ा सा, उसके अंतर्गत हम जो आपके हमारे श्रम लेबर वगैरह है उसके बारे में इसमें हम देखेंगे। जीएसटी लाने का मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के जो आपके राज्यसभा है उसमें वृद्धि हो, पूरे भारत में एक समान प्रकार से टैक्स जो है वो आप लोगों का लगाया जाए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स जो लगाया जाता था उन सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करके सिर्फ एक टैक्स जो है वो लगाया जाए। दो प्रकार से टैक्स आप लोगों का लगता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी का आप लोगों ने देख लिया कि 3 प्रकार से जीएसटी लेते हैं आप लोगों का, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आप लोगों का आईजीएसटी वाला ले लेंगे, एसजीएसटी ले लेंगे, ठीक है। और एक आपका यूनियन टेरिटरीज में लिया जाता है यूटीजीएसटी, ठीक है। भारत में कब लागू हुआ था? लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को भारत में इसको लागू कर दिया गया। जीएसटी के आने से भारत में जो है आप लोगों का पता चला, आप लोग अगर डेटा देखोगे तो राज्य सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि आप लोगों की यहाँ पर हुई है, क्योंकि जीएसटी चोरी करने पर यहाँ पर प्रावधान रखा गया है कि 5 साल की सज़ा जो है वो उनको की जाएगी, और जीएसटी भरना और जीएसटी आप लोगों का रिटर्न करना या बहुत सारी चीज़ें की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें विस्तार से सरकार द्वारा समझाई गई थी इसलिए पहले से ही। और जैसे ही और देशों में व्यवस्था बनाई जाती है जीएसटी की या टैक्स लेने की, उसी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया है और उसी प्रकार से जो अब इस समय पर जीएसटी पर काम चल रहा है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को आज की एंड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और उसके अंतर्गत हम अपना श्रम का जो हमारा है यानी कि लेबर से रिलेटेड जो टॉपिक है 2014 के बाद का उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू।